नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है सेकंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी द्वितीय प्रेस आयोग। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भारत में प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सेकंड प्रेस कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका आधार क्या बना और इसका गठन कब किया गया और इसने कौन सी मुख्य सिफारिशें की, कौन सी रिकमेंडेशंस सेकंड प्रेस कमीशन की ओर से दी गई। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब फर्स्ट प्रेस कमीशन बना 1952 में और 1954 में इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, तो उसके आधार पे कई संस्थाएं जो हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अस्तित्व में आई और उसकी सिफारिशों से भारतीय पत्रकारिता जगत में काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए, ये हमें देखने को मिला। लेकिन जब समय बदला, एक दशक दो दशक के बाद लगभग ये ज़रूरत पड़ी कि बदलती परिस्थितियों में पुनः ज़रूरत है मीडिया की, जो स्थिति है तत्कालीन जो मीडिया की स्थिति थी, प्रेस की जो स्थिति थी, उसका एक अवलोकन किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए कि उसमें किस प्रकार के सुधार की ज़रूरत है। साथ ही जो आपातकाल रहा, जो लगभग दो साल के दौरान 1975 टू 1977 जो इमरजेंसी का दौर था, उस दौरान प्रेस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए, तो नई स्थितियाँ उससे बनी। तो इन सब स्थितियों को आकलन करने के लिए ज़रूरत पड़ी कि एक प्रेस कमीशन का गठन किया जाए और इसी उद्देश्य के साथ 29 मई 1978 को सेकंड प्रेस कमीशन का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन बने जस्टिस पीसी गोस्वामी और 11 सदस्यीय ये कमेटी थी जिसका गठन किया गया। लेकिन इसके बाद जब नई सरकार बनी तो सेकंड प्रेस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया अप्रैल 1980 में, यानी 1978 में सेकंड प्रेस कमीशन का गठन हुआ। लेकिन जनवरी 1980 में सेकंड प्रेस कमीशन के जो चेयरमैन थे जस्टिस पीसी गोस्वामी, जैसा कि हमने बताया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो जैसे ही 1980 में नई सरकार का गठन हुआ तो दोबारा द्वितीय प्रेस आयोग का गठन किया गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और उस नए आयोग के चेयरमैन बने जस्टिस के मैथ्यू और 10 इसके अलग मेंबर रहे। और जो प्रेस आयोग बनाया गया 21 अप्रैल 1980 को, उसकी रिपोर्ट जो है वो 3 अप्रैल 1982 को तैयार हुई और इस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंपी अप्रैल 1982 में। यानी 1978 में सेकंड प्रेस कमीशन बना, लेकिन इस प्रेस कमीशन ने काम नहीं किया, ये काम नहीं कर पाया क्योंकि नई सरकार बनी 1980 में और नई सरकार ने नई सिरे से इसका गठन करने का सोचा। इसलिए 21 अप्रैल 1980 को दोबारा एक नया प्रेस कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन अलग थे, जिसके मेंबर्स अलग थे, और उसने अपना काम किया और 1982 में दो साल काम करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रेस कमीशन ने कौन सी खास रिकमेंडेशंस दी और किस ऑब्जेक्टिव के साथ उसका गठन किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। द रोल ऑफ द प्रेस इन अ डेवलपिंग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो प्रेस कमीशन को गठित करने का जो उद्देश्य रहा, जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि एक विकासशील और एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, इसका अध्ययन किया जाए, इस बारे में कुछ खास रिकमेंडेशंस दे सेकंड प्रेस कमीशन। देन जो संविधान के द्वारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है, दूसरी जो कई प्रकार की रियायतें, कई प्रकार के लॉ कानून बने हुए हैं पत्रकारों के हितों के लिए, तो उनमें क्या ज़रूरत है कोई संशोधन करने की, उनको मजबूत करने की, या वो काफ़ी हैं पत्रकारिता जगत के लिए या पत्रकारों के लिए। देन प्रेस को राजनीतिक और आर्थिक जो दबाव हैं, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक प्रेशर हैं, पॉलिटिकल प्रेशर हैं, उनसे कैसे उनको बचाया जाए। साथ ही जो मालिक हैं, जो प्रकाशक हैं, जो न्यूज़पेपर की मैनेजमेंट हैं, उनका किसी तरह का जो प्रेशर है वो पत्रकारिता पर ना रहे, इसके भी उपाय सुझाना, इसके बारे में सोचना। Then role of the press and the responsibilities it should assume in developmental policies. यानी जितनी विकास की नीतियाँ बनाई जाती हैं, सरकार डेवलपमेंट की जो पॉलिसीज बनाती है, उनमें प्रेस अपनी क्या भूमिका निभा सकती है, क्या योगदान दे सकती है देश के लिए नीतियाँ बनाने में। Then ownership patterns और मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है प्रेस का, और उसका संबंध क्या है एडिटोरियल इंडिपेंडेंस से और समाचार पत्रों की ग्रोथ से, और साथ ही जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात है, जो पेशेवर सत्यनिष्ठा की बात है, उस पर भी कुछ सुझाव दे सेकंड प्रेस कमीशन। देन चेन न्यूज़पेपर, यानी एक के बाद एक नए समाचार पत्र शुरू करते रहते हैं कई जो उद्योगपति होते हैं, जो उससे जुड़े मालिक होते हैं। देन इसका
इंडस्ट्री के साथ संबंध समाचार पत्र जगत का, फिर जो रीडर्स हैं उसको किस प्रकार से अच्छी खबरें उपलब्ध करवाई जाएं, और राइट टू ऑब्जेक्टिव न्यूज़ यानी निष्पक्ष तरीके से खबरें किस प्रकार पेश की जाएं, कैसे उनमें निष्पक्षता बनी रहे, और फ्री कमेंट एक तरह से स्वतंत्र रहते हुए कमेंट कर पाए मीडिया या उसके जगत मीडिया जगत के जितने भी पत्रकार हैं वो स्वतंत्र तरीके से कमेंट कर पाए अलग अलग इश्यूज़ पे। देन इकोनॉमिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, यानी जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, जो समाचार पत्र जगत है, समाचार पत्र उद्योग है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स हो, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसमें रेवेन्यू जनरेशन है, वो कैसे किया जाए, राजस्व कैसे मिले, कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी प्रेस कमीशन का गठन किया गया। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता जो है उसका प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज़ादी के बाद जो मीडिया है, प्रेस है, वो एक प्रोफेशन के रूप में उभरा, तो ज़रूरी था अच्छे पत्रकार तैयार करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, उनको पत्रकारिता के विकास के लिए उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। इस पर भी विचार करना था सेकंड प्रेस कमीशन को। साथ ही मास कम्युनिकेशन के फील्ड में शोध कार्य को बढ़ावा देना, रिसर्च इन मास कम्युनिकेशन, उसको एनकरेज करना ताकि नई चीज़ें सामने निकल कर आएँ, उसकी फाइंडिंग्स निकल के आएँ, जिससे न केवल सब्जेक्ट की ग्रोथ हो बल्कि इसकी प्रेस का जो विकास है उसमें भी इसको काम में लाया जा सके। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे जिनके साथ सेकंड प्रेस कमीशन का गठन किया गया, और इन उद्देश्यों को मद्देनज़र रखते हुए सेकंड प्रेस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। काफ़ी रिकमेंडेशंस थी, लेकिन उनमें से जो प्रमुख रिकमेंडेशंस हैं, जो खास सिफारिशें हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। सेकंड प्रेस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, एक सिफारिश की कि जो सरकार है और प्रेस है उसमें आत्मीय संबंध स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए। सेकंड प्रेस कमीशन का ये मानना था कि जो सरकार और प्रेस का संबंध है उनमें बिल्कुल मैत्रीपूर्ण संबंध भी ना हो और बिल्कुल शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेस को सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए सरकार की, फैक्ट्स के बेस पे उसकी आलोचना करनी चाहिए। यानी प्रेस कमीशन के सदस्यों का यह मानना था कि जो आलोचना है वो रचनात्मक होनी चाहिए, जिससे सरकार को भी मदद मिले, अल्टीमेटली सोसाइटी को फ़ायदा हो और पॉलिसी मेकिंग में उसका फ़ायदा लिया जा सके। यानी एक तरह से प्रतिशोध के साथ पत्रकारिता ना हो बल्कि वो सकारात्मक तरीके से हो, आलोचना हो, वहाँ पे तथ्य दिए जाएं, ये ना हो कि आप उसको शत्रु मान करके उसका विरोध शुरू कर दें। तो एक मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ठीक इसी तरह सरकार भी जो पत्रकार हैं उनके तरफ एक ऐसा नज़रिया ना रखे कि उसकी सिर्फ आलोचना करते हैं, उनकी आलोचना को एक सुधार के तरीके से देखें, उनको सुझावों की तरह ले और उसको इम्प्लीमेंट करें। सेकंड प्रेस कमीशन ने एक जो और महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दी उसमें ये था कि एक न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन यानी समाचार पत्र विकास आयोग का गठन किया जाना चाहिए, खासकर जो छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्र हैं उनका फ़ायदा हो, उनको एक तरीके से अपनी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली और मशीनरी वाइज या न्यूज़ प्रिंट अखबारी कागज़ जो होता है, यानी हर तरीके से उनका एक तरह से सहयोग हो, उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव होता है। इसलिए एक न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन गठित करने की बात कही, एक रिकमेंडेशन दी सेकंड प्रेस कमीशन ने। देन न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। सेकंड प्रेस कमीशन ने एक सिफारिश की कि जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, जो समाचार पत्र उद्योग है, उसको दूसरे जो उद्योग हैं उनसे अलग किया जाना चाहिए, और जो उद्योगपति समाचार पत्र जगत से जुड़े हैं, समाचार पत्र उद्योग से जुड़े हैं, उनके दूसरी इंडस्ट्रीज में 10% से ज़्यादा शेयर उनका नहीं होना चाहिए दूसरे उद्योग धंधों में, अगर वो समाचार पत्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रेस कमीशन में ही जो सदस्य थे, कुछ सदस्य ऐसे थे जो इस बात से असहमत थे जो रिकमेंडेशन दी थी सेकंड प्रेस कमीशन ने, लेकिन ये काफ़ी एक अहम रिकमेंडेशन मानी जाती है। अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो ज़्यादातर समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल भी जो हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में हैं, और उससे कहीं ना कहीं उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी आप देख रहे हैं कि प्रभावित होती है। देन अगली जो रिकमेंडेशन या सिफारिश पर हम नज़र डालें, दैट वाज देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बिटवीन एडिटर्स एंड प्रोप्राइटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर। सेकंड प्रेस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो समाचार पत्र के मालिक हैं, जो प्रकाशक हैं और जो संपादक हैं, उनके बीच में एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों को अपनी जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो लिखित में जारी करनी चाहिए, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि क्या समाचार पत्र अपनी पॉलिसी के हिसाब से
समाचार पत्रों का संकलन उनका प्रकाशन कर रहा है। साथ ही ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ये भी देखेगा कि जो संपादक हैं और जो समाचार पत्र प्रबंधन है उनके बीच में कैसे आत्मीय संबंध रहे, उनके बीच में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका समाधान करे सही तरीके से। इसलिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के गठन की बात भी सेकेंड प्रेस कमीशन में कही गई। देन देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट्स इन स्मॉल मीडियम एंड बिग न्यूज़पेपर। सेकेंड प्रेस कमीशन ने एक सुझाव दिया कि जो न्यूज़ और एडवर्टीजमेंट का प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो स्मॉल मीडियम और बिग न्यूज़पेपर है उनमें एक जैसा होना चाहिए, एक उसको फिक्स कर दिया जाए कि छोटे समाचार पत्र में कितने विज्ञापन और एडवर्टीजमेंट होगा, मध्यम में कितना होगा और बड़े समाचार पत्रों में कितना होगा। एक रेशो सेकेंड प्रेस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में दिया, उसके हिसाब से बड़े समाचार पत्रों के लिए 60% न्यूज़ और 40% विज्ञापन, देन यही मध्यम समाचार पत्रों के लिए 50% बोथ न्यूज़ एंड एडवर्टीजमेंट, और जो लघु समाचार पत्र हैं, जो छोटे समाचार पत्र हैं, उनके लिए रेशो 40-60 का रखा गया। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि प्रेस की आज़ादी की दृष्टि से यह ज़रूरी है कि समाचार पत्र विज्ञापनों पर नहीं बल्कि प्रसार संख्या पर अधिक निर्भर हों। देन न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल। सेकेंड प्रेस कमीशन ने ये एक सुझाव दिया, एक रिकमेंडेशन दी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं समाचार पत्र की नीतियाँ प्रभावित होती हैं। साथ ही जो हमारी संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं एक बाहर की संस्कृति जहाँ से उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा उसको मिक्स होने का डर रहता है, और संस्कृति जो एक हमारी ऐतिहासिक विरासत है, संस्कृति हमारी गौरवशाली है, उसको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। इसलिए फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, खासकर जो न्यूज़ पेपर हैं या समाचार से जुड़े हुए जो पत्रिकाएँ हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, उनमें नहीं होना चाहिए। तो न्यूज़ पेपर इंडस्ट्री को एक तरह से रिलीव किया जाए इसके प्रभाव से, फॉरेन कैपिटल जो है विदेशी निवेश के प्रभाव से। देन नो प्रिडिक्शंस शुड बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सेकेंड प्रेस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि समाचार पत्रों में जो राशिफल है या पत्रिकाओं में जो राशिफल छपता है वो किसी प्रकार का नहीं छपना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भाग्यवाद को बढ़ावा देता है या एक तरह से हम कह सकते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। और सेकंड प्रेस कमीशन ने कहा कि जो वैज्ञानिक सोच है या जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने की जहाँ तक बात है, जो हमारे संविधान में भी लिखी गई है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना चाहिए तरक्की के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं आघात पहुँचता है, इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। सेकेंड प्रेस कमीशन ने विज्ञापनों में भारतीय नारी की छवि के दुरुपयोग पर भी अपनी चिंता जाहिर की। प्रेस आयोग ने फिल्मी मैगजीन यानी फिल्मी पत्रिकाओं और उन मैगजीन्स में जिसमें एक तरह से ऐसी अश्लील सामग्री का प्रकाशन होता है उनको सस्ते दाम पर न्यूज़ प्रिंट न देने की भी रिकमेंडेशन दी। और उन्होंने कहा कि जो नारी की छवि को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है विज्ञापनों में, कई बार उससे उसकी छवि को ठेस पहुंचती है, आहत होते हैं हम सब, और इससे एक बहुत गलत संदेश जाता है। इसलिए नारी की जो छवि है उसको सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए विज्ञापनों में, ये रिकमेंडेशन सेकेंड प्रेस कमीशन की ओर से दी गई। देन द गवर्नमेंट should prepare a stable advertisement policy, यानी एक स्थायी विज्ञापन नीति बनानी चाहिए सरकार को। सेकेंड प्रेस कमीशन ने यह सुझाव दिया। प्रेस आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि जो DAVP है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, उसको उसका विभाजन करके एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए जो कि विज्ञापन को डील करे। साथ ही जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो भी अपने किसी तरह एक स्वायत्तशासी जो है संस्था बनाएं जो विज्ञापनों को जारी करे। प्रेस कमीशन की एक और जो खास रिकमेंडेशन थी वो थी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, और ख़ासकर छोटे और मध्यम समाचार पत्र जो हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात की गई या रिकमेंडेशन दी गई सेकेंड प्रेस कमीशन की ओर से। सेकेंड प्रेस कमीशन का मानना था कि पत्र सूचना कार्यालय का स्वरूप सूचना एवं समाचार कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, जो रात दिन कार्य करता रहे। इसकी सेवाएं जिला और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बराबर मिलती रहें। यह कार्यालय इन पत्र पत्रिकाओं के प्रति उत्तरदायी रहे। आयोग का यह भी कहना था कि एक ऐसी सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो समय समय पर इनके कार्यों का मूल्यांकन करती रहे और सुझाव देती रहे। देन प्रेस काउंसिल के बारे में भी रिकमेंडेशन दी सेकेंड प्रेस कमीशन ने कि प्रेस
काउंसिल जो है उसने बड़ा अच्छा काम किया है और एक तरीके से वॉचडॉग का काम किया है भारतीय प्रेस जगत में। और उन्होंने कहा कि जो प्रेस काउंसिल के जो कार्य हैं उनको लगातार इस प्रकार से वो जारी रखे, इस संस्था को काफ़ी उपयोगी बताया सेकंड प्रेस कमीशन ने और कहा कि इसी प्रकार ये संस्था लगातार काम करती रहे। तो ये कुछ खास रिकमेंडेशंस थी सेकंड प्रेस कमीशन की ओर से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की सेकंड प्रेस कमीशन के बारे में, यानी द्वितीय प्रेस आयोग के बारे में, कि सेकंड प्रेस कमीशन ने कौन सी रिकमेंडेशंस दी, किस उद्देश्य से सेकंड प्रेस कमीशन का गठन किया गया और भारतीय पत्रकारिता जगत में इसका क्या महत्व है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।